रेस्टोरेंट वाले चिकन रोस्ट में जैसा ग्रेवी का टेक्सचर होता है, ग्रेवी का कलर होता है, वैसे आज मैं एक रेसिपी शेयर करूंगी चिकन रोस्ट की। आप इसी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे, वैसा ही रेस्टोरेंट वाला चिकन रोस्ट का स्वाद मिलेगा। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए, आपको बाहर जाकर रेस्टोरेंट से चिकन रोस्ट लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इस रेसिपी को बनाकर दीजिए और वो भी बहुत ही कम समय में। फ्रेंड्स, रेसिपी को जल्द से शुरू करती हूं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। प्याज, लहसुन, अदरक, हरा मिर्च, हरा टमाटर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, खट्टा दही, सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिलाकर 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। चिकन रोस्ट हमेशा सरसों के तेल से ही पकाना चाहिए, तब भी टेस्ट बेस्ट होता है। भर के डालेंगे सरसों का तेल और इसी तेल में डालेंगे भर के प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन होने के बाद चिकन के पीस ऐड करेंगे। अब चिकन को भूनते रहेंगे। 10 मिनट तक चिकन को भूनने के बाद ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, टोमेटो केचप और अंत में मिलाएंगे इलायची और दालचीनी का पेस्ट। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं चिकन रोस्ट पर एक बूंद भी पानी नहीं डाला हूँ और देखिए चिकन से तेल छोड़ा है। ग्रेवी एक बार देखिए, मैंने एक बूंद पानी भी नहीं डाला। 5 मिनट के लिए ढक देंगे। ग्रेवी और ग्रेवी का टेक्सचर देखिए आपको पता चल गया होगा, ये एकदम जस्ट वाले स्वाद में चिकन डिश बन चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।